हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं फ्लोटिंग मार्केट पताया के। तो ये है फ्लोटिंग मार्केट पताया का, और ये पताया से शहर से अराउंड बस स्टेशन से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। और गाइस हम लोग रुके हुए हैं जॉमटियन बीच पर। तो जॉमटियन बीच के पास से भी ये अराउंड 4 to 5 किलोमीटर ही है। तो आप लोग देख सकते हो ये अंदर से कितना ब्यूटीफुल है ये मार्केट। और ये जो मार्केट है ये है इसका एंट्रेंस। तो इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये फ्लोटिंग मार्केट है तो ये पूरा बोट मतलब वुडन का ही बना हुआ है, चारों तरफ पानी ही पानी है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप शॉपिंग कर सकते हो। तो एक अच्छा मार्केट है, अच्छा प्लेस है, बहुत काम है, आप ईज़िली आ सकते हो। यहाँ पर पीसफुल है, व्यू भी बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ का। तो अगर आप पताया घूमने आते हो, थाईलैंड में आते हो और पताया आते हो, तो आप फ्लोटिंग मार्केट ज़रूर आइएगा। हार्डली 1.5 से 2 घंटे आपको यहाँ पे घूमने में लगेंगे और आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। देखिए टी शर्ट्स हैं 199 थाई बात, 100 रुपीज़ थाई बात में भी आपको यहाँ पर टी शर्ट्स मिल जाएंगी। काफ़ी ही अच्छा प्लेस है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। और ये देखिए केयरिंग्स हैं, सिर्फ 20 थाई बात के हैं, तो आप अपने लिए खरीद सकते हो। वॉलेट्स वगैरह हैं, बेल्ट है, और ये देखिए कितना सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत ही कम प्राइस में है। पर्स है, लेडीज़ के लिए अच्छा सामान यहाँ पे मिलता है, इवन जेंट्स के लिए भी टी शर्ट्स हैं, बच्चों के लिए भी सामान है यहाँ पे, टॉयज़ वगैरह मिल जाते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। एक्सपेंसिव नहीं है, इवन आप बताया कि लोकल मार्केट में जाओगे तो आपको सेम प्राइस मिलेगा। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे ड्रेसेस हैं फॉर लेडीज़, और लोअर है, काफ़ी अच्छा है। मैंने भी काफ़ी कुछ यहाँ से ख़रीदा है, तो बहुत ही अच्छा है, स्टफ़ भी अच्छा है यहाँ का। तो आप अगर बताया एक बार आओ तो आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा। काफ़ी प्यारा सा ये मार्केट है, और ये देखिए हम आगे चलते हैं। अब आगे और भी शॉप्स हैं, तो हम आपको ये देखिए खाने का भी यहाँ पे अवेलेबल है और आप खा भी सकते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं अंदर। और 20-30-40 थाई बात में आपको आराम से खाने को यहाँ पे मिल सकता है। थोड़ा ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको पूरे में शॉप्स ही शॉप्स हैं, और देखिए चारों तरफ पानी है। और यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो भी बोट पे ही हैं। स्लीपर्स बहुत ही सस्ते रेट में स्लीपर्स हैं, 100 थाई बात। ये लेडीज़ पर्स हैं, स्टफ़ भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये शॉपिंग के लिए। ये देखिए 120 थाई बात में, सिर्फ 60 थाई बात में टी शर्ट है ये, तो आप आराम से ख़रीद सकते हैं। तो ये देखिए पीछे पूरा वाटर है, कितना सुंदर है ये थाई ये मार्केट। आइए आगे चलते हैं। तो हम लोग आगे आए, और ये देखिए यहाँ पे शिकंजी की शॉप है, और शिकंजी सिर्फ 30 थाई बात में है। बॉयज़ के लिए शर्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं। डेकोरेशन का भी काफ़ी सामान है यहाँ पर, तो आप काफ़ी कुछ मतलब यहाँ से ले सकते हैं। तो आप अगर पताया आते हैं ना, तो आप एक बार ज़रूर फ्लोटिंग मार्केट आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे यहाँ पे सामान मिलता है, आप यहाँ से सामान अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, काफ़ी लोगों के लिए लेके जा सकते हो। तो काफ़ी ही सुंदर मार्केट है, और काफ़ी दूर भी नहीं है, हार्डली स्टेशन से सिर्फ 5 to 6 किलोमीटर है। आप बाइक से या फिर आप कैब ले सकते हो, टैक्सी से आप आराम से आ सकते हो। यहाँ पे टॉयलेट्स अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, यहाँ पे फ्री वाईफाई है, यहाँ पे बैठ सकते हो। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर टी शर्ट्स हैं, कैप है, कैप भी गाइस सिर्फ 100 थाई बात में कैप है, 50 थाई बात में है। और ये देखिए यहाँ पे सेल भी लगी हुई है, और आप देखोगे तो ये पर्स सिर्फ 10 थाई बात का है, तो आप यहाँ से इजीली ले जा सकते हो सामान और काफ़ी कुछ यहाँ से ख़रीद सकते हो।
तो पताया का फ्लोटिंग मार्केट रियली इज दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इफ़ यू कम पताया देन प्लीज़ डू विजिट देयर. या ये देखिए टैटू वगैरह भी यहाँ पे बनते हैं, बॉडी आर्ट होती है, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे. आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अगर एक बार यहाँ पे आओगे तो आप बैठोगे तो आपको सीरियसली बहुत इन्जॉय करने वाले हो. ये देखिए आइसक्रीम की शॉप है, काफ़ी कुछ है अंदर खाने का है, शॉपिंग का है, ऑल्दो यहाँ पे यही सब है, शॉपिंग्स है. ये देखिए रिंग वगैरह है, मतलब छोटा छोटा काफ़ी सामान आपको यहाँ पे मिल सकता है और काफ़ी कुछ आप यहाँ से खरीद सकते हो. ये देखिए सिर्फ लोअर सिर्फ 150 थाई बात में आपको मिल जाएंगे, और ये जो रिंग आप देख रहे हो ना सिर्फ 20 थाई बात की है और बहुत ही सुंदर रिंग है और मैंने भी ली है तो अभी तक इसका कलर भी नहीं गया. तो गाइज ये है पताया का फ्लोटिंग मार्केट, हम लोग पूरा देख चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं. थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग.